फ्रेंड्स मैं ललित यादव राजस्थान जई टॉप पर दो हज़ार बाईस सिविल आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से ट्वेल्थ में सेवेंटी फोर परसेंट थी उसके बाद बी टेक किए दो हज़ार चौदह से लेकर दो हज़ार अठारह तक आर टू कोटा से जिसमें सेवेंटी टू परसेंट है फिर दो हज़ार अठारह में ऑफलाइन कोचिंग की बाद में यूट्यूब से भी पढ़ाई की है तो सबसे पहले आते हैं आप कौन कौन से एग्ज़ाम दिए उसमें अपना क्या रिजल्ट रहा तो सबसे पहले दिया आपने उन्होंने एस एस सी जी दो हज़ार अठारह उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराया और उसमें फिर मेरिट में नहीं हुआ फिर एस एस सी दी दो हज़ार उन्नीस दिया उसमें प्री के अंदर पॉइंट फाइव मार्क्स से नहीं हुआ फिर उसके बाद राजस्थान जेई दो हज़ार बीस वैकेंसी आई वो दिया उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए उसमें फिर वन पॉइंट एट मार्क्स से उसमें नहीं हुआ तो फिर तीन एग्ज़ाम हो गए फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो पड़ोसी फिर बताने मारते हैं नहीं होगा इसका तो ऐसे ऐसे बोलते हैं फिर टीचर्स वगैरह मोटिवेट करते हैं फ्रेंड्स फैमिली वाले सब कि पढ़ो हो जाएगा हो जाएगा फिर वापस से वैकेंसी आती है दो हज़ार इक्कीस में राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेई की उसमें फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हैं और उसमें फिर दो नंबर से फिर नहीं आता अपना मेरिट में अब फिर लास्ट एक वैकेंसी आती है जनवरी के अंदर राजस्थान जेई दो हजार बाईस फिर उसका एग्जाम लगता है मई के अंदर और फिर उसका रिजल्ट आता है तो उसमें आती है फर्स्ट रैंक तो फिर देख के तो अच्छा लगता है ये कि भाई ने राजस्थान टॉप कर दिया अब भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब जैसे कोई सब्जेक्ट ले ली उसका एक टॉपिक पढ़ लिया उसके क्वेश्चन लगाओ फिर दूसरा टॉपिक पड़ा फिर उस, उसके क्वेश्चन लगाओ तो ऐसा सभी सब सब्जेक्ट के साथ करना है कर लिया अब एक क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें एक तो एस एस सी प्रीवियस ईयर एक गुप्ता और फिर ई एस सी और गेट के वन लाइनर फिर इसके बाद करना है अपन को टेस्ट सीरीज अब टेस्ट सीरीज दो तो ले लो अब उसमें टेस्ट सीरीज लगाते टाइम उसमें जो डाटा या फिर कोई कंसेप्ट आए उनको अपने नोट्स उतार लो अब जब नोट्स का रिविज़न करोगे तो वो डाटा और रिवाइज हो जाएगा तो फिर टेस्ट सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करो इसमें हंड्रेड परसेंट दो अब जैसे मैंने ये वाला एग्ज़ाम था दो हज़ार बाईस वाला इसमें छः से सात महीने मैंने डेली मैंने, मैंने, मैं दस से बारह घंटे पढ़ाई की है और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि रैंक वन आई है अब इसमें क्या है अब क्या है कि कई कह बच्चों मान लो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वैकेंसी में अब वो क्या करता है नेक्स्ट में दो तीन महीने तो ये होता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ये है वो है ये सोचता रहता है और फिर वो टाइम निकल जाता है इस टाइम में दूसरे बच्चे पढ़ते रहते हैं ए और फिर उनका फिर वो सिलेक्शन नहीं होता तो इसलिए ये है कि जो अब पेपर दे लिया अब इसमें पता लग जाता है कि भाई हो जाएगा इसमें मेरा और जिनका नहीं हो मेरा तो मैं तो बॉर्डर पे हूँ उनको तो भाई पेपर दिया दो तीन दिन बाद वापस लग जाना चाहिए अपना वापस से डेली रूटीन पे हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आरा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अब जैसे बी एम सी सब्जेक्ट है अब बिल्कुल थोड़ी सब्जेक्ट है अब इसमें टॉपिक है जैसे स्टोन है ब्रिक है टिम्बर है तो अब इनको सात आठ दिन कंप्लीट हो जाएगी रोज़ के एक टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर सात आठ दिन बाद वापस चालू कर दो तो फिर क्या है कि ऐसे हो जाएगा कि बी एम सी मतलब बिल्कुल याद से होने लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आर सी सी है स्टील है इसके अंदर कोड है अब कोड में वैल्यू है वो याद करनी है तो उनको याद करते रहो जब भूने लगे तब याद वापस याद कर लो तो फिर ऐसे क्या है कि वो फिर याद हो जाएंगे ना तो फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं वो तो फिर आसानी से हो जाएंगे वहाँ पेपर में और मैं भाई सभी को थैंक्स टीचर्स को फ्रेंड्स को फैमिली वाले को